अभी तो मैं निकल रही हूँ फॉर शांति स्तूपा और ले पैलेस, एंड कोशिश करके मार्केट भी जाऊंगी आज अगर टाइम मिलेगा तो। सो मैं पहुंच गई हूँ शांति स्तूपा। ये व्हाइट डोम बुद्धिस्ट डोम है। वेरी पीसफुल, जैसे मैंने आपको बताया ये वर्ल्ड हाईएस्ट शांति स्तूपा है। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। आज थोड़ा व्लॉग लेट शुरू किया बिकॉज कल बहुत थक गए थे। बाय द टाइम हम आए यहाँ पे, वी आर स्टेइंग इन जेन होटल नाउ, वेरी ब्यूटीफुल होटल। एंड आपको व्यू दिखाती हूँ इस होटल का, ये देखिए, दिस इज द व्यू एंड इट्स नाइस। अभी तो मैं निकल रही हूँ फॉर शांति स्तूपा और ले पैलेस, एंड कोशिश करके मार्केट भी जाऊंगी आज अगर टाइम मिलेगा तो। आने के बाद आपको ये होटल दिखाऊंगी। इस होटल का नाम है जेन। शांति स्तूपा, ये वाइट डोम बुद्धिस्ट डोम है, एंड लेह के टॉप पे सिचुएटेड है और पूरे लेह से आप इसे देख सकते हैं। ये शांति का प्रतीक है एंड दिस इज सीरियसली वेरी ब्यूटीफुल। ये टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन होता है लेह में। 14 दलाई लामा तेंजिन गेत्सो ने इसका फाउंडेशन स्टोन डाला था 25 अगस्त 1985 में, और थिक से केनपो रिनपोचे ने 25 अगस्त 1991 में इसका इनॉग्रेशन किया था। ये दिस सिंबलाइजेस वर्ल्ड पीस, और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ आने के बाद। शांति स्तूपा 11,841 फीट की हाइट पे स्थित है। ये लेह की एक पहाड़ी पे स्थित है जहाँ से आप पूरा लेह देख सकते हैं, और पूरा लेह शांति स्तूपा देख सकता है फ्रॉम एनी कॉर्नर। दिस इज वर्ल्ड हाईएस्ट शांति स्तूपा एंड इट सिंबलाइजेस द वर्ल्ड पीस। एक बात आपको और बताती हूँ, नीचे ज़मीन जो है वहाँ पर जब मैंने चप्पल निकाली बहुत गर्म था, चटके लग रहे थे, पर जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी बिल्कुल भी गर्म नहीं था। इवन दिस पोर्शन, जो कि इतनी कड़क धूप है उसके बाद भी दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज सो कम्फर्टेबल, इतनी कम्फर्टेबल है वॉक करने के लिए कि मैं नंगे पैर आराम से चल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्तूपा 2 मंजिला है
ऊपर आप स्टैचू देख सकते हैं एंड हियर यू कैन सी ऑल द कार्विंग्स डन बाय देम. पहुंची हूँ ले पैलेस जो कि सिचुएटेड है ले की एक हिल पे जहां से पूरा ले दिखता है. 16th सेंचुरी में बना हुआ ये एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है. अंदर जाके देखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ इस पैलेस के बारे में. चलिए मेरे साथ. Thank you.
हूँ मैं लेह पैलेस की टॉप पे पहुँच गई हूँ एंड जस्ट सी द व्यू फ्रॉम योर पूरा लेह दिखता है यहाँ से एंड द व्यू इज सो 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 ब्यूटीफुल. बना हुआ ये पैलेस है. हम लोग को अलाउ नहीं किया गया था व्लॉगिंग करने के लिए अंदर. दे सेड आप कुछ वीडियोज़ और फोटोग्राफ ले सकते हो बट यू कांट व्लॉग. सो आई डिडंट व्लॉग बिकॉज आई डोंट लाइक टू ब्रेक द रूल्स. नीचे आने के बाद मैंने सोचा व्लॉगिंग कंप्लीट करती हूँ. सो ये 9 फ्लोर का पैलेस है. अंदर सारी मोनेस्ट्रीज के फोटोज थे. इवन अबाउट दिस पैलेस आई वेंट इनसाइड एंड एक्सप्लोर्ड ऑल द फ्लोर्स. इट्स वेरी नाइस एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज द व्यू. अगर आप इस पैलेस का व्यू देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे. जिस जगह पे ये स्थित है उससे आप पूरा लेह सिटी देख सकते हैं एंड सी द व्यू. सो मैं जाती हूँ और करती हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन. तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा, द वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, द वर्ल्ड ऑफ घूमना फिरना एंड माय वर्ल्ड. और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाइए और सब्सक्राइब करिए. लव यू ऑल. स्टे ट्यून्ड.